नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyissales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आजकल रुपए की घटती वैल्यू के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। देखो, एक समय था हमारा रुपया इंडिया में तो इस्तेमाल होता ही था ट्रांजैक्शंस के लिए, बल्कि वो देश भी, काफी सारे वो देश जिनका तट लगता है इंडियन ओशन के साथ, ऐसे देशों में भी हमारा रुपया इस्तेमाल होता था। फॉर एग्जाम्पल ओमान में तो इंडियन रुपये इस्तेमाल होता था इवन 60s और 70s तक, लेकिन स्मगलिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी गोल्ड की, इस वजह से ओमान ने बाद में खुद की करेंसी को एडोप्ट कर लिया था। अब रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो रही है डॉलर के मुकाबले में, और ये एक चिंता की बात है। देखो, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में लगातार कम हो रही है। 1947 में रुपए का रेट डॉलर के मुकाबले था 3.30 रुपये, 1966 में बढ़ गया 7.50 रुपये हो गया, और 1995 में यानी 1995 में ये 32.4 पैसे हो गया। फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू लगातार कम होती गई डॉलर के मुकाबले में। जैसे हमने युद्ध लड़े, पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध लड़े, चाइना के साथ हमने युद्ध लड़ा, 5-year plans को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें फॉरेन लोन की आवश्यकता थी, हमने बाहर से लोन लिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक रीज़न जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू कम हुई डॉलर के मुकाबले में, और ऑयल प्राइसेस शॉक 1973 में ऑयल क्राइसिस जब आए थे, ये भी एक मेजर रीज़न बना रुपए की वैल्यू कम होने का। लेकिन हाल फिलहाल में एकदम से रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हुई है डॉलर के मुकाबले में। उसके रीज़न कुछ अलग हैं। उसके रीज़न हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम, ये तो पुराना रीज़न है, लेकिन FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का एकदम से इंडिया से बाहर जाना। उनको लगता है कि इंडिया से अच्छा वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। USA और चाइना के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है, ये भी मेजर रीजन है रुपए की वैल्यू कम होने का। USA ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, और संभावना ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे, इससे रुपये की वैल्यू और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है डॉलर के मुकाबले में। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स की। शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं ताकि रुपए की वैल्यू कम होने के बजाय इंक्रीज हो? फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन की जा सकती है, NRIs को बॉन्ड बेचे जा सकते हैं जैसा किया था 2013 में। NRIs के पास फॉरेन करेंसी काफ़ी होती है, अगर उनको बॉन्ड बेचे जाएंगे तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी और रुपए की वैल्यू मजबूत होगी। तीसरा, सॉवरेन बॉन्ड भी इशू किए जा सकते हैं। चौथा ये है, रुपए की डिपेंडेंसी देखो डॉलर के ऊपर कम की जाए। अभी रुपया डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर इस डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा तो भी रुपए में मजबूती आ सकती है। पांचवा रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, रुपया मल्टीलेटरल रूप से यूज होता था, ना सिर्फ इंडिया बल्कि दूसरी जगहों पर भी रुपये का इस्तेमाल होता था। आज तो सिर्फ भूटान और नेपाल दो ऐसे देश हैं जहाँ पर इंडिया के अलावा रुपये का इस्तेमाल होता है ट्रेड के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए, जबकि चाइना काफ़ी तेज़ी से अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। 2015 में चाइना की करेंसी युआन को करेंसी बास्केट, IMF के करेंसी बास्केट में शामिल किया गया, और इसके लिए चाइना ने बहुत ज़्यादा जोर भी लगाया। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से भी चाइना अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, और कई जगह हैं जहाँ पर चाइना की करेंसी का इस्तेमाल हो भी रहा है ट्रेड के लिए। लेकिन अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। देखो, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा USA, रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा चुका है। ईरान के साथ हम ट्रेड करते रहेंगे, डॉलर में तो कर नहीं सकते, रुपए में ट्रेड अब हम कर सकते हैं ईरान के साथ, पहले भी करते थे। यानी ईरान से हम ऑयल परचेज करेंगे, बदले में डॉलर नहीं देंगे ईरान को, ईरान को देंगे हम रुपी, और उन्हीं रुपी से ईरान हमसे राइस खरीदेगा। इस प्रकार का मैकेनिज्म पहले भी था और अब भी इसे अडोप्ट किया जा सकता है। इवन रशिया के साथ भी यही तरीका अपनाया जा सकता है। रशिया से हम अब जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम की डील हुई है, इसके लिए हम पेमेंट कर सकते हैं रुपी में। रुपी में हम पेमेंट अगर करते हैं तो रशिया हमसे कोई ना कोई चीज़ परचेज कर लेगा।
इससे ना सिर्फ रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है बल्कि हम हमारा एक्सपोर्ट भी बूस्ट कर पाते हैं, क्योंकि देखा अगर ईरान के पास इंडियन रुपी है तो ईरान के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ईरान को हमसे ही कोई चीज़ परचेज करनी पड़ेगी। वैसे एक एग्जाम्पल वेनेजुएला का भी दिया जाता है। वेनेजुएला की इकोनॉमी बहुत ही खराब सिचुएशन में है फिलहाल, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और करेंसी की वैल्यू तो इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, बस पूछो मत, मतलब 1 लाख रुपये में एक टॉफी आ रही है। तो वेनेजुएला से भी हम ऑयल परचेज कर रहे हैं, वेनेजुएला को भी हम पेमेंट कर सकते हैं रुपी में, और वेनेजुएला को अभी आवश्यकता है फूड की, तो हम फूड एक्सपोर्ट कर सकते हैं वेनेजुएला को। तो ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ ऐसा मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए कि हम उनसे चीज़ें इंपोर्ट करें रुपी में, बदले में वो देश हमसे कुछ ना कुछ इंपोर्ट करें। उसके बाद है देखो करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब चीज़ें जो हमें कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें एक लेवल से ज़्यादा बढ़ती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, एक लेवल से ज़्यादा बढ़ता है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स और ज़्यादा अपना पैसा बाहर लेके जाएंगे इंडिया से, उन्हें लगेगा कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन भी अब धीरे धीरे खराब हो रही है, इसलिए इंडिया से पैसा निकालने का सही समय है। इसीलिए कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये दायरे में रहने चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था स्टेबल दिखे। सबसे लास्ट में, ये तो वैसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करने की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रुपए की घटती वैल्यू के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।